देखो मैंने तुम लोगों को बताया था वेटेड एवरेज मेथड। जैसा कि मैंने एक बात पहले ही बता दी इस मेथड के बारे में कि ये मेथड अब तक एग्जाम में कभी भी देखने को नहीं मिला है, लेकिन मैं फिर भी यही बोलूंगा कि वेटेड एवरेज मेथड को भी तुम्हें सीखना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर एक खास बात है। सबसे बड़ी खास बात इस मेथड की ये है कि ये मेथड बहुत ही ज्यादा इजी होता है। हर तरह का बच्चा, होशियार हो चाहे नालायक हो तुम लोगों की तरह, वो इस मेथड को सीख सकता है। तो ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए मैं क्वेश्चन पर आ जाता हूँ। और तुम्हें मालूम है मैं क्वेश्चन नंबर बिल्कुल भी नहीं बोलता हूँ अकाउंट की क्लास में, लेकिन वही क्वेश्चन है जो लास्ट क्लास में चल रहा था और उसी को हम अपने कंटिन्यू करेंगे। तो बुक या क्वेश्चन तुम लोगों के पास होना चाहिए, तो रीड आउट करते हैं। मैं स्टार्टिंग की लाइन 2 बार रिपीट करूंगा ताकि तुम उस क्वेश्चन को ध्यान से ढूंढ सको और तुम लोगों को वो क्वेश्चन आराम से मिल जाए। तो देखो, रमन एंड दमन आर पार्टनर, कितने सही नाम है, रमन एंड दमन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 60-40 एंड फॉर द लास्ट 4 ईयर्स। तो ये लोग दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं भाई, बिजनेस कर रहे हैं तुम लोगों की तरह। 60-40 रेशियो में ही अपना धंधा करते हैं और पिछले 4 साल से दे हैव बीन गेटिंग एनुअल सैलरी ऑफ 50,000-40,000 रिस्पेक्टिवली। और ये 50,000 रुपए और 40,000 रुपए पिछले 4 साल से क्या इकट्ठी करने में लग रहे हैं, सैलरी। बहुत ही अच्छी बात है भाई, इतनी बड़ी सैलरी इन लोगों को मिल रही है, हमें आज तक नहीं मिलती। द एनुअल अकाउंट हैव शोन द फॉलोइंग नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग पार्टनर सैलरी। तो देखो क्वेश्चन के अंदर हमें ये जो प्रॉफिट दिए गए हैं, पिछले 3 साल के प्रॉफिट दिए गए हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो प्रॉफिट दिए गए हैं ये कैसे दिए गए, बिफोर चार्जिंग सैलरी, अंडरलाइन दैट पर्टिकुलर वर्ड बिफोर। बिफोर का मतलब ये हुआ कि इन प्रॉफिट के अंदर अभी तक हमने सैलरी नहीं चार्ज करी है। बिफोर का मतलब क्या होता है कि सैलरी नहीं दी है, सैलरी देने से पहले। भाई इंग्लिश में तुम लोगों को इतनी बातें मालूम होनी चाहिए कि बिफोर का मतलब होता है से पहले, अभी हमने सैलरी नहीं दी है। मुझे बताओ, अगर सैलरी नहीं दी है तो क्या नहीं देंगे कभी जिंदगी में, सैलरी तो हमें देनी पड़ेगी। इसका मतलब ये हुआ कि 50,000 और 40,000 बताना दोनों पार्टनर की सैलरी कितनी है। मुझे बताओ, पहले वाले पार्टनर की सैलरी भाई कितनी बता रखी है क्वेश्चन ने, 50,000, और दूसरे पार्टनर की सैलरी कितनी बताई है भाई क्वेश्चन ने, 40,000, और दोनों की सैलरी मिलाकर कितनी बनेगी भाई, बच्चा भी देखकर बता देगा, ये दोनों की सैलरी मिलाकर बनेगी 90,000, यानी कि 90,000। अब मुझे बताओ, दोनों पार्टनर की सैलरी 90,000 है और पिछले 3 साल के प्रॉफिट हमें दे रखे हैं, पहले साल भी कितनी सैलरी दूंगा दोनों पार्टनर को, 90,000, दूसरे साल भी कितनी सैलरी दूंगा पार्टनर को, 90,000, और तीसरे साल भी उन दोनों को कितनी सैलरी मिलेगी, 90,000 मिलेगी, तो दे देंगे। अब आगे देखते हैं, एक काम करते हैं, ज्यादा समय वेस्ट ना करते हो, पहले जितना पढ़ा है ना उसी को सॉल्व करते हैं। तो तुम्हारे दिमाग में एक बात तो बैठ गई कि मुझे पहले साल भी 90,000 की सैलरी कटवानी है। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, पहले साल भी तुम्हें कितनी सैलरी कटवानी है, 90,000, और दूसरे साल भी कितनी सैलरी कटवानी है, 90,000, और तीसरे साल भी कितनी सैलरी कटवानी है, 90,000। ठीक है, तो देखते हैं, तुम लोगों को एक छोटी सी टेबल बनाने की जरूरत है, ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं, बहुत ही सिंपल टेबल मैं तुम लोगों को बनवाऊंगा। तो लिखो नंबर 1 कैलकुलेशन, हेडिंग डालो भाई कैलकुलेशन ऑफ क्या, प्रॉफिट। सारा खेल किस चीज का है, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। बिना प्रॉफिट के तो आजकल गुजारा ही नहीं है भाई, बिना प्रॉफिट के क्या होता है आज के समय में, कुछ नहीं होता। तो प्रॉफिट को साथ में लेकर चलते हैं। तो एक छोटी सी टेबल तुम लोगों को बनानी है, और टेबल के अंदर तुम जानते हो मैं क्या लिखने वाला हूं। एक कॉलम में मैं क्या लिखता हूं भाई, बोलो। एक कॉलम में मैं हमेशा से लिखता आया हूं ईयर, और एक कॉलम में लिखता हूं जो क्वेश्चन ने प्रॉफिट बताया है, और एक कॉलम में माइनस क्या करूंगा बोलो, सैलरी, तब जाके निकलेगा प्रॉफिट। और मुझे किस प्रॉफिट से मतलब है, सैलरी देने के बाद। जब भी किसी भी पार्टनर को हम कुछ सैलरी देने वाले होते हैं तो पहले हम सैलरी देते हैं, जब भी किसी पार्टनर को कमीशन देने वाले होते हैं तो पहले हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उसको कमीशन दें, जब भी किसी पार्टनर को हम इंटरेस्ट देने वाले होते हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उसको पहले इंटरेस्ट दें, समझ रहे हो ना।
जब भी क्वेश्चन कुछ भी बताएगा तो पहले वो कटवा दो, देखते हैं क्या हो रहा है। मुझे बताओ सबसे पहला जो प्रॉफिट है भाई, 2017 का प्रॉफिट है। सबसे पहला प्रॉफिट 2017 का है, और कितना है ये प्रॉफिट? 1,40,000। समझ में आ रहा है ना भाई? 1,40,000 रुपए का प्रॉफिट है, और ये 2017 का प्रॉफिट था। मुझे बताओ मैं दोनों पार्टनर को कितनी सैलरी देने वाला हूं? दोनों पार्टनर को कुल मिलाकर कितनी सैलरी मिलने वाली थी? 90,000। एक एक करके माइनस नहीं करेंगे, एक साथ माइनस करेंगे, तो दोनों की सैलरी माइनस करी 90,000, यानी कि मेरे पास असली प्रॉफिट, ध्यान से सुनो मैं शब्द क्या बोल रहा हूं, मेरे पास असली प्रॉफिट कितना बचा? मेरे पास असली प्रॉफिट बचा भाई, 1,40,000 में से 90,000 अपने चले गए, तो अपने पास जो प्रॉफिट बचा है वो है अपना 50,000। यहां तक मैं उम्मीद करता हूं तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा, है कि नहीं? क्योंकि बहुत ही इजी चीज है, इसमें कोई बहुत बड़ी तोप चीज नहीं है, जैसे तुम्हें समझने में 10 दिन लग जाएंगे, समझ रहे हो ना? अगला प्रॉफिट देखते हैं भाई, 2018 आ गया, 2018, तो लिखो 2018। देखते हैं 2018 में कितना प्रॉफिट था भाई। 2018 में था 1,01,000, 1,01,000 माइनस करना है। और क्या माइनस करते हैं? मैंने बताया था किसी भी तरह का रिमुनरेशन, किसी भी तरह का रिमुनरेशन हो, सैलरी हो, कमीशन हो, इंटरेस्ट हो, कुछ भी हो, उसको माइनस करेंगे। और कितना रिमुनरेशन है भाई? 90,000। इस बार भी कितनी सैलरी बांटूंगा मैं? 90,000। हमें कोई नहीं बांटता, लेकिन हम जरूर बांटते हैं। तो देखो 1,01,000 में 90,000 हमने माइनस करें तो कितना नेट प्रॉफिट निकल आया? 11,000। उम्मीद करता हूं बहुत ही आसान चीज है भाई, इसमें सिखाने वाली मुझे तो नहीं लगता कोई दुनिया में कोई इससे ज्यादा मुश्किल होगा, आसान होगा। हाँ, 2019 का प्रॉफिट कितना है? 2019 का प्रॉफिट है 1,30,000, तो 1,30,000 यहाँ पर आ गया प्रॉफिट। और कितना रिमुनरेशन है यहाँ पर? 90,000 का। इस बार उसके पास कितना प्रॉफिट बच गया भाई? बहुत ही बड़ी चीज है, इस बार उसके पास प्रॉफिट बच गया 40,000। कितना प्रॉफिट बच गया है? 40,000। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से हमने ये तीनों प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिए। अब हमें इस टेबल की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब तुम चाहो तो इस टेबल को बंद कर दो, और चाहना क्या है, बंद ही करेंगे, इसको खोल के क्या करना है इसका, है ना? हाँ, अब आगे का क्वेश्चन कैसे निकलेगा वो तुम्हें मालूम है। एक छोटी सी टेबल और बनती है, किस चीज के लिए बनती है वो छोटी सी टेबल? वो छोटी सी टेबल बनती है वेटेड प्रॉफिट के लिए। कौन से प्रॉफिट के लिए वो टेबल बनती है? वेटेड प्रॉफिट के लिए। तो बिल्कुल इसी तरीके से एक टेबल और अब हम बनाने वाले हैं, जो मुझे ऐसा लगता है कि काफी इजी रहेगी वो टेबल बनाना। देखते हैं अगली टेबल। तो देखो अगली टेबल की शुरुआत जो होगी वो किससे होगी? इन प्रॉफिट से, ये जो मैंने निकाले हैं 50,000, 11,000 और 40,000। क्या निकाले हैं मैंने प्रॉफिट? याद रखना भाई, मैंने तो रफ कर दिए, मेरे पास तो रब हो गया, लेकिन तुम लोगों के पास तो है ना, क्योंकि तुम लोगों ने लिख रखा है। क्या कर रखा है? लिख रखा है। तो देखो नंबर टू के अंदर फिर से लिखो प्रॉफिट। हाँ, कितना कितना आया था भाई? मुझे याद हो गया है, 50,000 आया था, 11,000 आया था, और नेक्स्ट और लास्ट है 40,000 आया था। हाँ, क्वेश्चन में वेट बता रखे थे। देखो मैंने क्वेश्चन को आगे पढ़ा भी नहीं और आधा सॉल्व कर दिया, अब जरा आगे पढ़ लेते हैं, दिक्कत कौन सी है। देखो लास्ट में क्या लिखा हुआ है, ऑन 1 अप्रैल जीनू इज एडमिटेड। देखो कितना सही नाम है, जीनू। जीनू इज एडमिटेड टू द पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट विदाउट एनी सैलरी। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 ईयर परचेज। कितनी ईयर परचेज बताई गई है? 4 ईयर परचेज है। तुम्हें मालूम है इसका क्या करना होता है? और वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स, और पिछले 3 साल के प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी। ये कह रहा है सैलरी देने के बाद, हमने तो दे दी है, बताओ सैलरी कटवा चुके हैं ना? कटवा चुके हैं सैलरी। नहीं भी बताता तो भी कटवाते, अगर वो सैलरी नहीं बोलता तब भी हम कटवाते, ठीक है? तो सैलरी तो हम दे चुके हैं। हाँ, वेट देख लेते हैं। देखो लास्ट में क्या लिखे हुए हैं, वेट 1, 2, 3 लिख दो भाई, वेट 1, 2, 3। अब तुम्हें मालूम है क्या बनाना होता है? डब्ल्यू पी। डब्ल्यू पी का मतलब क्या है?
WP का मतलब है वेटेड प्रॉफिट, किसी भी बच्चे के रजिस्टर में, किसी भी बच्चे के रजिस्टर के पेज पर मैं कोई सी भी चीज शॉर्ट में बिल्कुल भी देख ना लूं। अगर बाय चांस वीडियो के दौरान मैं तुम लोगों का रजिस्टर चेक करता हूं और मुझे मिलती है कोई सी भी चीज शॉर्ट में लिखी हुई, तो वो पेज तुम लोगों को तुम्हारे रजिस्टर पर नहीं मिलने वाला फिर, ठीक है? तो इस बात की तो मैं सावधानी बरतनी कि जितनी भी चीज है अगर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ अकाउंट्स में, किसी भी सब्जेक्ट में, तो तुम लोगों को वो शॉर्ट में बिल्कुल भी नहीं लिखना, ना तो टेस्ट में, ना पेपर में, ना रजिस्टर में। हाँ, वेटेड प्रॉफिट तुम लोगों को मालूम है कैसे निकलता है? प्रॉफिट की मल्टीप्लाई 1 से, 50,000 की 1 से, तो 50,000, 11,000 की 2 से, तो 22,000, है ना? और 40,000 की 3 से, यानी कि 1,20,000। बोले करो साथ में, मेरी नजर हमेशा तुम लोगों को रहती है, इसलिए वीडियो के अंदर पार्टिसिपेट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है तुम लोगों के लिए। तो देखो, वेटेड प्रॉफिट को हम जोड़ेंगे और दोनों तरह का जो वेटेड प्रॉफिट है उनको देखते हैं टोटल करके कितना आता है। हाँ, वेटेड प्रॉफिट तुम लोग करो, मैं वेट कर रहा हूं भाई। टोटल वेट का देखो, 2 और 1 3 और 3 6, तो टोटल वेट तो आ गया 6। हाँ, वेटेड प्रॉफिट भी कर लेते हैं अब। 0 0 0 तो ऊपर से आएगा 2, 2 2 4 और 1 5 9, 1,92,000। अब तुम्हें मालूम है क्या निकालूंगा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट, WAP, मैंने शॉर्ट में लिखा है वेप, WAP, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। लेकिन तुम लोगों के किसी भी बच्चे में रजिस्टर पे शॉर्ट में नहीं लिखा हुआ होना चाहिए, है ना? इस चीज का तुम्हें बहुत ही खास तौर पर ध्यान रखना है कि शॉर्ट में नहीं लिखा हुआ होना चाहिए। तो देखते हैं वेटेड एवरेज क्या निकलेगी। तुम्हें वेटेड एवरेज का फॉर्मूला भी मालूम है, टोटल वेटेड प्रॉफिट आता है ऊपर और टोटल वेट आता है नीचे। देखो ऊपर मैंने क्या लिखा है, TWP। TWP का मतलब है टोटल वेटेड प्रॉफिट, और नीचे आ जाता है टोटल वेट। क्या आ जाता है? टोटल वेट। हाँ, टोटल वेटेड प्रॉफिट है 1,92,000, 1,92,000, और टोटल वेट कितना है? टोटल वेट है 6। हाँ, डिवाइड कर देते हैं भाई, डिवाइड करने में कौन सी बड़ी बात है, ये देखो अभी करते हैं डिवाइड। 6 3 18, 1 बचेगा, 6 2 12, दैट इज 32,000, 32,000। कितना आ गया? 32,000 आ गया अपना, ठीक है? तो 32,000 की यहां पर ये वैल्यू आ गई, और 32,000 के बाद अब तुम्हें मालूम है क्या निकालनी है, गुडविल। क्या निकालनी है भाई, बोलो? गुडविल। गुडविल के लिए इयर्स परचेस तुम्हें बताई थी क्वेश्चन ने, इयर्स परचेस बताई थी 4, याद है ना? इस क्वेश्चन ने तुम्हें ईयर परचेज बता रखी है, और वो ईयर परचेज कितनी बताई थी? 4 बताई थी। अगर 4 ईयर परचेज बताई है तो मेरा इंतजार क्या कर रहे हो, कर दो मल्टीप्लाई। 4 2 8 और 4 3 12, तो 1,28,000। तुम लोग अपने पास जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के अंदर अगर आंसर दे रखे हैं तो आंसर को